आप सबका मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे इस पत्रकार वार्ता में प्रदेश से जो हमारे अध्यक्ष पधारे हैं उदयपुर प्रथम से श्रीमान ऋषिन जी चौबीसा जी जो हमारे उदयपुर मंडल के उपाध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पे ताली बजा के आप स्वागत अभिनंदन। इसी तरह मैं उदयपुर द्वितीय के जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि भाई श्रीमान रमेश जी पुष्करणा जो हमारे प्रदेश के प्रियवक्षक हैं उनके उपरने से और पब्लिक से स्वागत करना। मैं हमारे नगर के अध्यक्ष मदन जी अमेटर से आग्रह करूंगा कि तिलक और उपरने से हमारे सुंदरलाल जी जैन साहब का स्वागत करना। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज की इस पत्रकार वार्ता में। संगठन के दोनों उदयपुर जिला और के प्रथम मंत्री और के जिला जिला मंत्री जी जी जिला मंत्री जी सुंदर जी जैन साहब और कृष्णा गांधी पानी साहब जी तेरी साहब नवेश साहब एवं उपस्थित सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज की यह प्रेस वार्ता संगठन का दूसरा का एक कार्यक्रम है। प्रथम कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी विधायक महोदय हैं उन सभी विधायक महोदयों को शाखा स्तर के अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन इस 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उसके पश्चात यह आज की पत्रकार वार्ता राजस्थान के प्रत्येक जिले में आयोजित हो रही है जिसके माध्यम से हम सभी आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे सभी शिक्षक समाज तक एवं सभी राजस्थान की जनता तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर सरकार शीघ्रता शीघ्र अपना निर्णय करे और उसके ऊपर हमारा उचित समाधान करे, उस हेतु हमारा यह आज का पत्रकार वार्ता का यह कार्यक्रम है। संगठन की दृष्टि से आप सभी पत्रकार बंधुओं की जानकारी के लिए उदयपुर जिला संगठन की सदस्यता की दृष्टि से कार्यकर्ता की दृष्टि से और संगठनात्मक गतिविधियों की दृष्टि से सबसे अग्रिम जिला पूरे राजस्थान में है। राजस्थान में उदयपुर जिले की सदस्यता उदयपुर प्रथम व द्वितीय संगठन ने अपने रचना अनुसार इसे दो भागों में बांटा है। उस नाते प्रथम व द्वितीय दो भाग है, एक के जिलाध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र सिंह जी झाला है और दूसरा द्वितीय जो जिला है उसके लैला जी कलाल है। तो संगठन की सदस्यता की दृष्टि से उदयपुर जिला अगर दोनों की सदस्यता को मिला दें तो उदयपुर जिले की सदस्यता 15,000 के आसपास की सदस्यता उदयपुर जिले की है और संगठन ने अपने कार्य के विस्तार के लिए इसको दो जिलों का रूप दिया है। आज की यह पत्रकार वार्ता के पश्चात यदि सरकार हमारी मांगों पर संवेदनशीलता रखते हुए विचार नहीं करती है तो उसके आगे के भी हमारे चरण संगठन द्वारा तय किए हुए हैं जिसके बारे में आगे भविष्य में चर्चा करेंगे। आज के इस अवसर पर जो 11 बिंदु इस पत्रकार वार्ता के अंतर्गत हम जो 11 बिंदु जो हमारा मांग पत्र है उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विस्तार से हमारे दोनों साथी आप सभी के सम्मुख आज इस पत्रकार वार्ता के दौरान इन बिंदुओं को रखेंगे। आज इस अवसर पर आप सभी ने अपना समय दिया उस हेतु संगठन आपका आभार व्यक्त करता है। साथ ही आप सभी साथियों से अपेक्षा कि हमारी जायज मांगों को चूंकि ऐसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है समाचार और आप सभी के माध्यम से जन जन तक हमारी ये बात पहुंचे और पहुंचेगी इसी आशा विश्वास के साथ प्रस्तुत। जय भारत जय श्री भाई श्रीमान रमेश जी पुष्करणा जो हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में और साथ में प्रदेश सचिव माध्यमिक शिक्षा से हैं, आप भी संक्षिप्त जानकारी एक बार हमारे प्रदेश स्तर पे जो मांगों को लेकर जो रणनीति है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सिंह जी, हमारे प्रदेश के अनुशासन समिति के सदस्य हमारे आदरणीय जैन साहब, दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस से पधारे सभी महानुभाव, जैसा कि संगठन हर
समय सरकार को आगाह करता रहा है। पूर्व की वसुंधरा सरकार में भी हमने आंदोलन किया और वो जो मांगे शेष रह गई उसके पश्चात लगातार हम पिछले 4 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाते हुए एक भी मांग को उन्होंने हमारी नहीं मानी है। केवल एक मांग जो उन्होंने पूरी की वो भी अधूरी है, वो इस जो अधूरी रही है ओपीएस को लेकर के, वो भी जो अधूरी है वो हमारे अभी कार्यकर्ता आपके बीच रखेंगे। और सरकार से यदि सरकार नहीं मानती है तो हमने 2 चरण अभी तय किए, दूसरा चरण है, इसके पश्चात जो आगामी चरण जो तय किया है वो जन जागरण अभियान करेंगे। जून और अगला जो जुलाई माह है दोनों महीनों में जन जागरण करेंगे और सितंबर महीने में हम एक बड़ी विशाल रैली करने का हमने अब तक जो तय है वो निर्णय लिया है। सरकार यदि नहीं मानती है तो हम ये काम आगामी वर्ष आगामी समय में करने वाले हैं। अब वार्ता के लिए मैं हमारे पुनः जिनको संबोधित करना है यानी दोनों जिला अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब मैं उदयपुर प्रथम के जिला अध्यक्ष भाई श्री पुष्पेंद्र सिंह जी ज्यादा से आग्रह करूंगा कि हमारा जो मांग पत्र है उसकी 6 मांग के बारे में आप अपने पत्रकार जो बंधु है उनको जानकारी प्रदान करें। माँ भारती को प्रणाम। राजस्थान की जो राष्ट्रीय के प्रदेश के आह्वान पर ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है इसमें हमें हमारे प्रदेश से पधारे हुए दोनों पर्यवेक्षक आदरणीय डॉक्टर ऋषिन जी चौबीसा साहब, आदरणीय रमेश जी पुष्करना साहब, प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष आदरणीय सुंदरलाल जी जैन साहब, उदयपुर जिला द्वितीय के जिलाध्यक्ष भाई दयालाल जी कलाल साहब, जिला मंत्री चंद्रमल जी बागली साहब, जिला मंत्री द्वितीय गणेश जी देवड़ा साहब, प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय दवे साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष बिरला जी तेली साहब, सभी सम्मानित जिले के पधारे सभी शिक्षक साथी बंधुओं, साथ ही आज जिस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है लोकतंत्र का हमारा चौथा आधार स्तंभ और समाज का सजग पहरी मीडिया के सभी पधारे हुए मेरे आदरणीय सम्मानीय मीडिया के सभी साथी बंधुओं जिनके सामने यह प्रेस वार्ता का आज कार्यक्रम रखा गया है। मैं सबसे पहले तो क्या उदयपुर जिले से और यहाँ से पधारे हुए सभी मीडिया के प्रभारी और मेरे संगठन के सभी साथियों का हृदय से आभार और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, राजस्थान सरकार और हमारे संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर के जो 11 सूत्री मांग पत्र है इसके ऊपर राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्र में विधायकों को ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम किया था 9 मार्च तक का, तो कार्यक्रम हमारे सभी विधायकों ज्ञापन के माध्यम से पूर्ण हो चुका है। अगले चरण में आज पूरे राजस्थान में ये प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें 11 बिंदु हैं, तो निश्चित रूप से मैं 4-5 बिंदुओं पर आपके सामने थोड़ी सी इसमें विस्तृत चर्चा करके रखूंगा। बाकी जो बचे बिंदु मेरे भाई जो अगर डायला जी आपके सामने रखेंगे तो पहला जो बिंदु है वेतन विसंगति, जो 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था उसमें जो विसंगति रही है उसके लिए पूर्व सरकार ने भी डीसी सामान कमेटी का गठन किया था और उसके पश्चात वर्तमान सरकार ने भी जो आईएएस खेमराज चौधरी के साहब के निर्देशन में समिति का गठन किया था, वो समिति अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंप चुकी है, लेकिन अभी तक उसके किसी बिंदुओं को राज्य सरकार ने न तो सार्वजनिक किए हैं न उसको कुछ सामने लाया है। तो संगठन इस पर मांग कर रहा है कि उन बिंदुओं को जो भी सुझाव दिए गए हैं समिति द्वारा उसको सार्वजनिक करें। दूसरी बात है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 9, 18, 27 जो चयनित वेतनमान दिया जाता है और 10, 20, 30 जो वैधता वर्ग में दिया जाता है प्रथम श्रेणी में, तो हमारी मांग है कि 8, 16, 24 और 32 का वेतनमान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो लेट समय में लगते हैं सेवा में आते हैं तो उनको जो है 27 वर्ष का लाभ नहीं मिल पाता है। तो संघ की पूरी पुरजोर तरीके से मांग उठाई है प्रदेश से कि 8, 16, 24 और 32 का जो है एसीपी लाभ दिया जाए उनको, तो ये भी हमारी एक प्रमुख मांग रही है। इसके साथ मोटे रूप से जो एनपीएस और ओपीएस का जो विवाद चल रहा है, राज्य सरकार ओपीएस के लिए घोषणाएं कर चुकी है लेकिन धरातल पर उसको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। बार बार एनपीएस की राशि केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जबकि मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एनपीएस की राशि का ओपीएस से अभी वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार को ओपीएस लागू करना है तो 2004 के बाद जीपीएफ के अकाउंट खोलने हैं, अकाउंट खोल करके वो राशि उसमें डाले
और एनपीएस की राशि है वो तो सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलती है, तो उस एनपीएस की राशि से कहीं पर भी ओपीएस राज्य सरकार को लागू करने में भी अड़चन नहीं आ रही है, संगठन ऐसा मानता है। तो वास्तविक रूप में धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए जो जीपीएफ के खाते हैं वो भी अभी तक क्रियान्वित नहीं किए जा रहे हैं, और एक अप्रैल 2022 से जो कटौती चालू करती है जीपीएस की, लेकिन वो राशि किस अकाउंट में जा रही है अभी तक ये भी पता नहीं है, क्योंकि खाते अभी तक संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तो संगठन इसके लिए कुछ और मांग करता है आपके माध्यम से कि उनके 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों का जीपीएफ अकाउंट खुलवाया जाए और उनको जो राशि है उसी में स्थानांतरित की जाए और उनके खाते उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही अगला जो हमारा बिंदु है इसमें पूरे सेवा काल में परीक्षण काल 1 साल का किया जाए, क्योंकि बार बार कोई इसमें सेवा काल बढ़ाया जाता है और परीक्षा काल बढ़ता है तो उसकी निश्चित रूप से सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो सेवा काल जो है परीक्षा का सेवा काल है वो 1 साल ही रखा जाए। उसके साथ अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग में ऑनलाइन का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, ऑनलाइन कार्य करने के लिए न तो कोई प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कोई हमारे पास साधन सुविधाएं है, न कोई नेटवर्क का काम करता है, तो राज्य सरकार से मांग रहती है कि वो इसके लिए एंड्रॉइड फोन या जो भी लैपटॉप है या कुछ उपलब्ध करवाएं ताकि वो जो ऑनलाइन का कार्य है वो आसानी से किया जा सके। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जो हमारे उदयपुर प्रथम के जिलाध्यक्ष जी ने कुछ बिंदु रखे हैं, अगला बिंदु जो हमारा है सेवानिवृत्ति के पश्चात, वर्तमान में ये है कि 80 वर्ष की आयु हो जाती है तब उनको पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलता है, विभिन्न स्वास्थ्य कारण हो गए उस वजह से अब हमारी ये मांग है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु पर पेंशन में वृद्धि का लाभ उनको मिले, संगठन इसकी पुरजोर मांग करता है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल बहुत बड़ी संख्या में खोल दिए लेकिन पदों की नियमित भर्ती नहीं हो रही, संविदा के आधार पर शिक्षकों को भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही। संगठन का अभिमत है कि राज्य सरकार जो भी भर्ती करे वो नियमित रूप से करे ताकि वो शिक्षक पूरे मनोयोग से पूरे मन से उस संस्था में कार्य करेगा, संविदा के आधार पर नियुक्ति करने से उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते। अगला बिंदु हमारा है राज्य सरकार द्वारा महीनों तक स्थानांतरण की प्रक्रिया चली, विभिन्न वर्गों के स्थानांतरण हुए लेकिन अध्यापक तृतीय श्रेणी के अध्यापक लंबे समय से नहीं हुए, विभिन्न जिलों में कार्यरत अध्यापक भी अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं, राज्य सरकार को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण करने का मार्ग खोलना चाहिए और एक नीति बनाकर उनके स्थानांतरण करने चाहिए। राज्य सरकार राज्य के विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ बहुत ज्यादा है, जैसे बीएलओ उसके पास अनेक कार्य हैं, निर्वाचन से संबंधित है, मतदाता सूचियों का अपडेशन है, अभी जो 1 जनवरी को जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनके नाम जोड़ना है, और स्कूलों में जाकर शिविर स्थापित करने हैं, शिविर लगाने हैं जहां 17 प्लस आयु हो गई है उन नए मतदाताओं का भी पंजीयन करना है। अब समस्या यह है सिंगल टीचर स्कूल है गाँव में, एकल अध्यापक है, वो बीएलओ का कार्य करे या बच्चों को पढ़ाने का कार्य करे, इससे इस प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य करने से हमारे शिक्षकों का ध्यान मूल विषय शिक्षण से हट जाता है। अतः सरकार जो है गैर शैक्षणिक कार्य डीबीटी योजना है, जनाधार अपडेशन का कार्य है, ये शिक्षकों के से न करवाए और अपनी किसी और एजेंसी से करवाए। इसके बाद राज्य सरकार जो है हमारे अधिकारी अध्यापकों को और प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी करते हैं कि आपने ये कार्य नहीं किया,
ये कार्य अध्यापकों का नहीं है, तो गैर शैक्षणिक कार्यों से अध्यापकों को मुक्त किया जाए। किसी कार्मिक के 3 संतान होने पर उसे एसीपी का जो चयनित वेतनमान का लाभ है उसमें 3 वर्ष उसे आगे बढ़ा दिया जाता है और उसकी वरिष्ठता भी प्रभावित होती है। 2 प्रकार से उसे दंडित नहीं किया जाए। उस कर्मचारी को जो केंद्र में जो नियम है 3 संतान के, उसके अनुरूप राज्य में भी व्यवस्था की जाए और एक ही प्रकार से उसे दंडित किया जाए कि 3 वर्ष आगे बढ़ाना, फिर वरिष्ठता को भी पीछे कर देना, इस प्रकार दोहरा जो सजा मिल रही है ये नहीं। वर्तमान में स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। समग्र शिक्षा अभियान के प्रयासों से, हमारे कर्मठ शिक्षकों के प्रयासों से, विभिन्न माध्यमों से, प्रचार प्रसार के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। किंतु 2015 में तत्कालीन सरकार ने स्टाफिंग पैटर्न लाए थे, नामांकन के अनुसार अध्यापकों के पद निर्धारित कर दिए। 2015 के बाद अभी 2023 तक उसकी समीक्षा नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा हो और बढ़े हुए नामांकन के आधार पर विद्यालयों में नए पद सृजित किए जाएं। गणित, हिंदी और अंग्रेजी के पद जो है, व्याख्याताओं के पद खाली है। उसमें सीनियर स्कूलों में नामांकन के आधार कर देने से व्याख्याताओं के पद ही नहीं रखे। हमारे जो डीपीसी होने होती है उसे नियमित किया जाए, प्रतिवर्ष डीपीसी नहीं हो पाती। अभी हमारे यहाँ पिछले 2 सत्रों से थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी नहीं हो पाई, जिससे विद्यालयों में हजारों पद व्याख्याताओं के और वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त हैं। राज्य सरकार डीपीसी की नियमित प्रक्रिया करके उन रिक्त पदों को भरे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।